नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनिमे फ्रेंड्स। जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए वेब सीरीज हीरा मंडी बना रहे हैं। ये सीरीज तवायफों की जिंदगी पर है जो विभाजन से पहले लाहौर की हीरा मंडी में रहती थी। सीरीज की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसकी चर्चा पाकिस्तान में भी है। हम आज पाकिस्तान के लाहौर की उसी हीरा मंडी की गलियों से अनसुनी कहानी लेकर आए हैं, तो अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। लाहौर का हीरा मंडी इलाका एक समय तवायफों के घुंघरुओं की खनक से गूंजता रहता था, लेकिन आज संगीत के नाम पर यहां सिर्फ ढोलक और गिटार की दुकानें हैं। वहीं यहां के लोग उम्मीद पाले बैठे हैं कि जब नेटफ्लिक्स पर भंसाली की सीरीज हीरा मंडी आएगी तो यहां टूरिज्म बढ़ेगा, जिसमें उनका बिजनेस फिर संवर जाएगा। आपको बता दें कि हीरा मंडी लाहौर की पुरानी तंग गलियों के बीच बसी है। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह के मुंहबेले बेटे हीरा सिंह की हवेली इस इलाके में थी, वहीं से नाम आया हीरा मंडी। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। इस इलाके का एक नाम टकसाली भी है, इसे बाजारे हुस्न भी कहते हैं। मुगल दौर में यहाँ राजाओं की कनीज यानी दासी और मुलाजिम यानी नौकर रहा करते थे, इसलिए इसे शाही मोहल्ला भी कहते थे। बड़े घरों के लोग यहाँ अपने बच्चों को संगीत सीखने भेजा करते थे। यह नृत्य कला और संगीत का गढ़ हुआ करता था। इस इलाके का मुगल कनेक्शन भी है। लाहौर के 12 दरवाजों में से एक दरवाजा, जिसे रोशनाई दरवाजा कहते हैं, वो हीरा मंडी से लगा हुआ है। यहाँ एक तरफ बादशाही मस्जिद है जो औरंगजेब ने बनवाई थी, वहीं दूसरी ओर एक किला है जिसे अकबर ने तामीर कराया था। यह आज लाहौर का प्रमुख टूरिस्ट प्लेस है। हीरा मंडी पर डॉक्यूमेंट्री बना चुके पाकिस्तानी लेखक इबादुक हक ने बताया कि इस इलाके की एक लंबी गली में लगभग 50 घर थे जो सदियों से नाच गाने साज और घुंघरुओं की खनक से आबाद रहा करते थे। यहाँ के तवायफों की खूबसूरती के किस्से मशहूर थे। अब मेरे जैसे कई लोगों को भंसाली की वेब सीरीज का इंतजार है। हीरा मंडी में आए दिन इस सीरीज की बातें सुनी जा सकती हैं। हालांकि कुछ सवाल है कि संजय लीला भंसाली आखिर हीरा मंडी को किस तरह पेश करेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग खुश हैं कि यहां का इतिहास फिर से जिंदा हो जाएगा। व्यापारियों को उम्मीद है कि वेब सीरीज से यह इलाका फिर मशहूर हो जाएगा तो ज्यादा टूरिस्ट आएंगे और उनका कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ लेगा। पाकिस्तान के लेखक रिफत और काजी बताते हैं कि अभी 80-90 के दशक तक इस जगह का एक अपना चुंबकीय आकर्षण था। लाहौर आने वाला कोई भी नौजवान यहाँ खींचा चला आता था। युवाओं के लिए मुजरे सेक्स और ख्वातीनों यानी कि महिलाओं के इतने करीब जाने के लिए हीरा मंडी एक मुफीद जगह होती थी। यहाँ रहने वाली खानदानी पेशेवर तवायफें थीं, ज़्यादातर मुजरा करती थीं, लेकिन कुछ जिस्म फरोशी में भी थी। मुजरा करने वाले तवायफे खुद को जिस्म फरोशी करने वाले तवायफों से आला दर्जे की मानती थी। संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी में कौन कौन सी हीरोइन काम कर रही हैं, यह चर्चा बार बार होती है। एक दिलचस्प बात यह है कि ओरिजिनल हीरा मंडी से पाकिस्तान सीने उद्योग को कई मशहूर हीरोइन मिल चुकी हैं। बाबरा शरीफ, आलिया, फिरदौस बेगम, नादिरा बेगम, नीली अंजुम बेगम यहाँ से फिल्म उद्योग में आई थी। अजहारा जहां, साइमा जहां, माला और शमीम बेगम जैसी गायिकाएं भी यहीं की देन हैं। 90 के दशक के बाद हीरा मंडी की नींव से ईंट दरकती ही चली गई। 2010 में यहां तरन्नुम सिनेमा के आसपास दो बम धमाके हुए। इसके बाद डर फैल गया। जो थोड़ा बहुत नाच गाना और प्रोस्टिट्यूशन चलता था वह भी बंद हो गया। पाकिस्तानी लेखिका नीलम अहमद बशीर बताती हैं कि कोठे सुनसान हो गए और वहाँ की रौनकें ख़त्म हो गई। यहाँ के कुछ तवायफों ने दुबई जैसे शहरों में म्यूजिकल ग्रुप बना लिया है। तरन्नुम सिनेमा के बिल्डिंग को गिरा के अब मार्केट बन गया है। यहाँ जूतों का रॉ मटेरियल मिलता है। इसके अलावा यहाँ ढोलक और गिटार की भी दुकानें हैं। यह शाही इलाका खाने पीने के शौकीन लोगों का अड्डा भी है। नीलम अहमद बशीर के अनुसार शहर के पारंपरिक स्वाद के शौकीन यहाँ खाने पीने आते हैं।
नेटफ्लिक्स के सूत्र कहते हैं कि भंसाली बंटवारे से पहले की कहानी बताएंगे। हीरा मंडी के ओरिजिनल म्यूजिकल कल्चर पर भी फोकस होगा। भंसाली की इच्छा थी कि सीरीज चंद्र प्रकाश द्विवेदी डायरेक्ट करें, लेकिन अब भंसाली पहला एपिसोड खुद डायरेक्ट करेंगे। बाकी के एपिसोड में डायरेक्शन की कमान विभूपुरी संभालेंगे। तो भंसाली के इस वेब सीरीज पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।